विदेश से चंदा लेने के मामले में महिला मुक्काबाज एमसी मैरीकॉम और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विदेशी चंदा लेने में कथित अनियमितताओं को लेकर गृह मंत्रालय जांच कर रहा है, जिसमें महिला मुक्काबाज एमसी मैरीकॉम और सोनिया गांधी के ट्रस्ट समेत 42 गैर सरकारी संगठन जांच के दायरे में आएंगे। 42 संगठनों में आईटी संगठन से जुड़ा नैशकॉम और एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारतीय शाखा भी है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित में जवाब दिया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA या FCRR के कथित उल्लंघन की प्राथमिक जांच के लिए 21 संगठनों को एक स्टैंडर्ड प्रश्नावली दी गई है। वहीं इसी तरह के कथित उल्लंघन के लिए 21 अन्य गैर सरकारी संगठनों की ऑडिट और जांच कराई जा रही है। आपको बता दें, जांच के दायरे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, जिसे UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी चलाती है। वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट MC मैरीकॉम का बॉक्सिंग ट्रेनिंग स्कूल भी शामिल है। स्टैंडर्ड प्रश्नावली में 32 सवाल पूछे गए हैं, जिससे ये जांच की जा सके कि FCRA के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी को भी यह प्रश्नावली दी गई है, जिसने पिछले साल आधार के डेटाबेस में बड़े पैमाने पर लीक्स का दावा किया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।